फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी पुरानी जींस और बच्चों के कपड़ों में से पैरदान कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए ये हमारे बच्चों के कपड़े, चार पांच कलर के हमने कपड़े लिए इसमें। और देखिए हमारी पुरानी जींस है, इसमें हम कट करेंगे। और देखिये मैंने पैरदान के लिए कपड़ा लिया है। देखिए हमने कपड़ा लिया है, मोटा वाला कपड़ा है हमारा, इसे हम इस तरह खोल लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 18 इंच लेंगे, तो 18 इंच का निशान लगा लेते हैं। और इसकी लंबाई लेंगे वो हम 15 इंच लेंगे, तो इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह, और इसे कट करेंगे। देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा था वो भी हमने कट कर लिया है। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है, हम जींस कट करेंगे। अब देखिए इस तरह हमने जींस खोल ली अपनी। देखिए इसमें से हम बॉक्स कट करेंगे, हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। और देखिए हमारी ये है जो सही जा रही है, यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। सेम बॉक्स हम कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने कट कर लिए, दो थे हमारे, इसी तरह हम और कट कर लेंगे सेम ड्राफ के। इस तरह देखिए हमें बॉक्स कट कर लिए। अब हम जो कपड़े लिए थे इसमें से हम पट्टियां कट करेंगे। देखिए हमने कपड़ा लिया है, ये हमारे अलग अलग कपड़े हैं, इस तरह हम साइड में लेते हैं। इसमें से हम पट्टियां कट करेंगे, तो इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इसे। देखिए इस तरह हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह सेम ड्रॉ पे हम कट करेंगे। देखिए इसमें से हम एक और कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने दो पट्टियां कट कर ली है। अब हम इसी तरह में इन कपड़ों में से 2-2 इंच पे कट करेंगे। देखिए सर मैंने पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए सर मैंने कपड़ा बिछा दिया है, और देखिए जो जींस कट की थी इसे हम इस तरह रखेंगे, और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह, और देखिए यहाँ पे जो हमारा कम पड़ रहा है इसके लिए मैंने इसी साइज की छोटी छोटी पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए इस तरह पूरे में हम सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने कपड़ा रख लिया नीचे, और इस तरह मुझे जींस कट की थी, इस तरह हम सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। भूसा भी रखेंगे। देखिए इस तरह जो हमारी कम पड़ रही है यहाँ पे हम इस तरह लगाएंगे। देखिए जींस भी हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा है, इसे भी हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे इसी तरह। देखिए इस तरह मैंने दोनों लाइन लगा ली, इसी तरह मैं पूरे में लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लगा लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने पूरा इक्वल कर लिया है, और जो हमने पट्टियां कट की थी वो हम इसमें लगाएंगे। देखिए इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह, और जो हमने इसे भी हम इस तरह फोल्ड कर देंगे 1/2 इंच, और इस तरह हम बीच में रखेंगे। देखिए एक सिलाई इस कोने पर लगाएंगे, और एक सिलाई इस कोने पर लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, अब हम इस कोने पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने एक पट्टी लगा दी है, अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे दूसरी लाइन में। देखिए इस तरह हमने तीनों लाइन लगा दी है, अब हम ऐसे लगाएंगे इसमें भी।
देखिए इस तरह मैंने पूरे में पट्टी लगा दी है। अब जो हमारे किनारे है हम उसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी लिए देखिए इस तरह हम इसे नीचे रखेंगे पट्टी को सिंगल और इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और हम इस तरह पलटेंगे। देखिए इस तरह हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे इसमें। देखिए इस तरह सिलाई लगा देंगे। जो हमारा कोना आ रहा है इसे हम इस तरह सेट कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और हमें डबल सिलाई भी लगाई है कोने में भी। देखिए इस तरह हमारा पूरा पैरदान तैयार हो गया है। देखिए इस तरह हमने सारी पट्टियां लगा दी है और हमने साइड में फिनिशिंग भी दे दी। देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा पैरदान बना है। इस तरह आप बचे हुए टुकड़े और जींस में से कर सकते हैं पैरदान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें।